नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 83,64,086 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में हर रोज आने वाले मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,210 नए केस सामने आए हैं और 704 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 55,331 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा है। कोरोना से अब तक 1,24,315 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक 77,11,809 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,27,962 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है, यानी कि ये कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 12,09,425 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश भर में कुल 11,42,08,384 सैंपल की जांच हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। इससे पहले 25 अक्टूबर को कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 से ऊपर थी, तब 50,129 मामले दर्ज किए गए थे। आज ये संख्या उससे ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में 50,210 नए मामले सामने आए, जबकि बीच में नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई थी। पिछले 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। केरल में 8,516 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 8,206 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते केरल में 28 और मौतें होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,587 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4,48,000 से ज्यादा है। केरल के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 24 घंटे में यहां कोरोना के 6,842 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,09,938 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6,703 हो गई है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना से 300 लोगों ने जान गंवा दी। इसी के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा अब 44,548 हो गया है। बुधवार को महाराष्ट्र में 5,505 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 16,98,198 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,12,912 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है, जबकि 15,40,005 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि देश में एक्टिव केसों में एक महीने से लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस मामले में भारत अब दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ सिर्फ 4.34% मरीजों का इलाज चल रहा है। 26% के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है और 11% के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि इटली और बेल्जियम भी टॉप 5 देशों में शामिल हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।